हमारी एरियाज के जो काउंसलर साहब हैं संदीप मजोत्रा जी, इन्होंने बड़े प्रयास से बड़ी मेहनत से ये जो आज काम हुआ है ये इनकी बदौलत इनकी मेहनत की वजह है ये। और मैं पंचायत का और एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे काउंसलर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज लोगों को एक राहत महसूस हुई है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि सड़क टूटने से एक्सीडेंट होने के आसार होते हैं जिसमें लोगों को परेशानी होती है, लेकिन जहीं भी कहीं इन्होंने सड़कें बनाई होंगी या बनी हैं उनको आज हम जहां भी जाते हैं सुनते हैं इनके प्रयास से लोग आज बड़े आराम से गाड़ी मोटर चला रहे हैं और कम से कम एक्सीडेंट होने के कोई आसार नहीं दिखते हैं। जय भीम जय भारत। आज हम लोग यहां पे गांव गूंज में आए हैं। यहां पे जो पिछले 2014 के बाद से ये जो सड़क थी ये इतनी खस्ता हालत में थी, जैसा कि अभी नायब सरपंच साहब ने आपको बताया कि 2014 में ये सड़क दिसंबर के मंथ में पड़ी थी, उसके बाद से लेके आज तक ये सड़क है वो बिल्कुल इसको नज़रअंदाज किया जाता था। इसके लिए काफ़ी इन्होंने प्रयत्नरत जो पंचायत थी उन्होंने काफ़ी कोशिशें करी। हमारे इलेक्शंस के बाद भी यहाँ का जो रोड था वो इतनी खस्ता हालत में था कि एक छोटी गाड़ी तो यहाँ पर आने तक मुहैया नहीं हो पाती थी, और अगर बरसात के मौसम में पता ही नहीं चलता था कि कौन सी जगह पर कितना गहरा गड्ढा है और कितना पानी रुका हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमारी पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं PRIs हैं सबसे बात करके PWD के साथ मिलके अभी हमने ये आज एक रोड का जो है इनॉग्रेशन करा है और ये रोड लोगों को समर्पित करी है। 5 लाख का ये टेंडर है, 5 लाख की लागत से इन्होंने 2000 जो स्क्वेयर फीट है इसका जो एरिया है रोड का ये कवर करेंगे। ये यहाँ से लेके हमारा जो गूंज रोड है जो मेन कनेक्टिविटी है वहाँ तक का है, और इसकी गुणवत्ता को परखने के लिए पंच नायब सरपंच यहाँ पे मौके पे मौजूद रहेंगे। और ये हमारे लोगों के लिए एक राहत है, यहाँ के जो गूंज के निवासी हैं मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सबका आप सबका शुक्रिया भी करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट के काम हैं वो करवा पा रहे हैं। क्योंकि आप हमें बताएंगे तो हम अपने कार्यरत रहेंगे, लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, इसलिए आप सबका धन्यवाद। गूंज के जो निवासी हैं बहुत बहुत मुबारक सबको। जय भीम जय भारत।